फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश शासन में एक और बार वैकेंसी यहाँ पर रिलीज कर दी गई। सबसे पहले हेडिंग पढ़ें, लिखा है गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, ग्वालियर जिले का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, इसमें नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए विज्ञप्ति की सूचना आप लोगों को यहाँ पर दी जा रही। और दोस्तों, बताना चाहता हूँ, ये दूसरे नंबर की वैकेंसी रहने वाली है जो कि ग्वालियर मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत रहेगी स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए। एक ही हफ्ते पहले मैंने आप लोगों को एक और स्टाफ नर्स की वैकेंसी की जानकारी दी थी ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में, तो वो भर्ती का विज्ञापन अलग था और ये भर्ती का विज्ञापन यहाँ पे अलग है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी भी अलग यहाँ पे रहने वाली है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है या फिर हम लोग का स्टाफ नर्स की पोस्ट है, क्योंकि स्टाफ नर्स का दर्जा जो है मध्य प्रदेश शासन में नर्सिंग ऑफिसर को यहाँ पर दिया जा चुका है, तो उसको नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट हम लोग यहाँ पर प्रेफर करेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर डिस्कस करते हैं, तो बताना चाहता हूँ 30+ पोस्ट जो है इसमें आप पे शामिल यहाँ पे कर ली गई। इसमें MSc नर्सिंग कैंडिडेट्स अप्लाई करें, BSc नर्सिंग कैंडिडेट्स अप्लाई करें, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कैंडिडेट्स अप्लाई करें, GNM डिप्लोमा कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, लिखा है सीधी भर्ती, तो दोस्तों ये डायरेक्ट ये रिक्रूटमेंट रहने वाला है। और बताना चाहता हूँ, इसमें किसी भी तरीके का आपका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, किसी भी तरीके का एग्ज़ाम आपसे यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। इसके लिए आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसमें यहाँ पे दे दिया गया। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को यहाँ पे सेंड करने हैं, और डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे कौन से पते पर आपको भेजना है, और अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या रहने वाली है, पूरी जानकारी इस वीडियो के लास्ट तक आप लोगों को मिल जाएगी। इस वीडियो को आखिर तक देखना, आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश शासन स्वास्थ्य विभाग की हर वैकेंसी की जानकारी सबसे तेज इसी तरीके से आगे भी पाते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें। मध्य प्रदेश स्टाफ नर्स पैरामेडिकल स्टाफ की हर वैकेंसी की जानकारी आगे भी पाते रहें। तो बिल्कुल शुरुआत करते हैं अपने अपडेट को, बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की ओर। तो दोस्तों, इस वाले वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है, इसमें देखिए दो टेबल आपको दी गई। पहली टेबल आप लोग अपने स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, और इसी के नीचे देखिए एक और ये टेबल रहने वाली है। तो कौन कौन से टेबल हैं और दो टेबल यहाँ पे क्यों बनाई गई, तो देखिए जो गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय और जो ग्वालियर उससे संबंधित जो संयुक्त संचालक अधीक्षक जयारोग जो अस्पताल है, उसमें नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट ये रहने वाली है, और ये सीधी भर्ती है। संविदा पर जो कार्यरत है उनके लिए ये पोस्ट इसमें यहाँ पर शामिल यहाँ पर कर ली गई हैं। तो देख सकते हैं योग टोटल मिला के 26 पद हैं, सभी कैटेगरीज़ को मिला के ये 26 पद हैं, और इसमें ओपन कैटेगरी वाले कैंडिडेट भी रहेंगे और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स भी हैं, और इसमें जो दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं आप लोगों के लिए भी वैकेंसी रहेंगी। इसके बाद जो दूसरी जो टेबल है, सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है ग्वालियर का, GRMC ग्वालियर का, तो उसमें नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है। इसमें देखिए योग लिखा है 10, तो 10 पोस्ट ये रहने वाली है, सभी कैटेगरीज में ये 10 पोस्ट है, ओपन में भी है और भूतपूर्व सैनिक के लिए भी ये वैकेंसी रहने वाली है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे योग्यता, इसमें आपको क्या क्या चाहिए। तो नर्सिंग सिस्टर की जो पोस्ट है आपको लेवल 9 आपको सैलरी मिलेगी, 18 वर्ष कम से कम आप लोगों के यहाँ पे उम्र हो, MSc नर्सिंग कैंडिडेट्स, BSc नर्सिंग कैंडिडेट्स और पोस्ट बेसिक कैंडिडेट्स। तो ध्यान दीजिए, MSc नर्सिंग कैंडिडेट्स, BSc नर्सिंग कैंडिडेट्स और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, सभी कैंडिडेट्स जो हैं आप लोग जो है आवेदन कर पाएंगे। और इस पोस्ट के लिए मीन्स नर्सिंग सिस्टर की ये पोस्ट के लिए आप लोग यहाँ पे अप्लाई करें, तो इसमें 5 वर्ष का आपको जो है स्टाफ परिचारिका मीन्स स्टाफ नर्स का आपको यहाँ पे सेवा का एक्सपीरियंस भी इसमें आप लोगों को यहाँ पे चाहिए, और मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन भी आपसे मांगा गया है। इसके बाद देखिए सेकेंड नंबर की ये जो पोस्ट है स्टाफ नर्स की, केवल महिला कैंडिडेट के लिए है, और इसमें लेवल 7 आपको सैलरी मिलेगी, ये सैलरी की रेंज आपको बता दी गई, 18 वर्ष कम से कम उम्र यहाँ पर रखी गई। इसमें सिर्फ आपको जो है 12th क्लास पास होना जरूरी है, उत्तीर्ण होना जरूरी है बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स सब्जेक्ट से, और BSc नर्सिंग है या फिर आपके पास GNM का डिप्लोमा है, और मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते। तो इसमें BSc नर्सिंग और GNM दोनों कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करें, इसमें कोई भी आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें सिंपल कैंडिडेट्स भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। एज लिमिट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आयु सीमा आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या रखी गई, तो देखिए 6th नंबर का ये जो पॉइंट है लिखा है न्यूनतम कम से कम 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच आप लोगों की यहाँ पे उम्र हो, SCs, STs, OBCs और जो शासकीय सेवाओं में
और महिला किसी भी कैटेगरी की हैं तो आपको 45 इयर्स ये आप लोगों के लिए एज यहाँ पे रहेगी। 5 ईयर का एज में रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। इसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन का प्रोसीजर यहाँ पे क्या रहेगा। तो नीचे की तरफ मैं आता हूँ, यहाँ पे चयन प्रक्रिया में एक टेबल आपको यहाँ पर दी गई। देखिए जो आपका बीएससी जीएनएम है तो इसके लिए मार्क्स 50 में से आपका यहाँ पे लिया जाएगा बीएससी जीएनएम। और यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं तो आप लोगों के लिए 20% मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर रहेगा। वर्किंग एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल का तो आपको यहाँ पर 30% वेटेज यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा। तो 50 और ये 20 हो गए 7 और ये प्लस 30 हो गए 70, तो 70 में से जो है आप लोगों की मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनेगी। अब बात करते हैं आपको अप्लाई किस तरीके से करना है। तो इसी पीडीएफ फाइल में सबसे नीचे की तरफ ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म का ये फॉर्मेट आपको दे दिया गया है। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको पूरा जो है फिल करना होगा। और यहाँ पर देखिए 15th नंबर का ये जो पॉइंट है इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को यहाँ पे बोले जा रहे हैं सेल्फ अटेस्ट करके फोटोकॉपी का सेट ये आपको संकलन करना आपको जरूरी है। मीन्स आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्ट करके ये आपको भेजना होगा। इसके बाद जो मेन जो चीज़ है जिसके बिना आपका फॉर्म इनकम्प्लीट रहेगा फ़ीस का पेमेंट, तो फ़ीस का पेमेंट भी आपको करना है। तो जो कैटेगरी वाइज जो भी फ़ीस का है आपको यहाँ पर अमाउंट बता दिया गया, ये फ़ीस का पेमेंट आपको ऑनलाइन मेथड में आपको करना होगा। और ये सारी देखिए पेमेंट की प्रोसेस आपको बता दी गई है। तो जो भी आप लोग फ़ीस का पेमेंट करेंगे ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो उसके बाद जो भी आपकी रसीद जो जनरेट होगी तो वो रसीद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ आप लोगों को रसीद भी भेजना होगा। लिखा है भुगतान करने के बाद प्राप्त रसीद को आवेदन पत्र के साथ संकलन करें, यदि रसीद प्राप्त नहीं होती है तो आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। तो इस चीज़ का बिल्कुल आप लोगों को याद आप लोगों को रखना है कि फ़ीस का जो भी पेमेंट है वो आप लोगों को उसकी जानकारी वहाँ पे भेजनी होगी। और यहाँ पे दोस्तों देखिए एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि इसमें जो कैंडिडेट्स हैं नर्सिंग महाविद्यालय से हैं या फिर स्कूल से बीएससी नर्सिंग जीएनएम उत्तीर्ण है और प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में कार्यरत हैं। उम्मीदवार हेतु जो है आपको संस्था स्तर पर निर्धारित शर्तों के अधीन पर आवेदन पत्र आमंत्रित आप लोगों से किए जाते हैं। तो इस चीज़ का आप लोगों को यहाँ पे याद आप लोगों को रखना है। अब बात करते हैं आपको अप्लाई करने की लास्ट डेट यहाँ पे क्या रहने वाली है। देखिए यहाँ पे आपको टेबल दे दी गई है, लिखा है 10 अप्रैल से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं और 5 मई 2023 तो ये आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि ये रहने वाली है। अब देखिए एड्रेस आपको बताया जा रहा है कि जो भी आपका आवेदन है जो भी आपको प्रारूप दिया गया वो फिल करना है और डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करना है सेल्फ अटेस्ट करके और जो भी आपका रसीद का जो भी आपका पेमेंट है वो भी आपको भेजना है। लिखा है अधिसष्टा कार्यालय गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में व्यक्तिगत या फिर पोस्ट द्वारा निर्धारित अवधि में आप लोग जमा कराएं। तो आप लोग ऑफिस में जाकर भी सबमिट कर सकते हैं और पोस्ट के माध्यम से भी कर सकते हैं, ये इसका एड्रेस रहने वाला है। तो दोस्तों वैकेंसी की जो भी डिटेल थी मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस की, उम्मीद करता हूँ अपडेट आप सभी को मिल गया होगा। वैकेंसी का आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे जाके सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लीजिए और मध्य प्रदेश शासन स्वास्थ्य विभाग की हर वैकेंसी की डिटेल पाते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।